जनपद संभल के चंदोसी में कल होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए अंतिम दिन प्रत्याशियों ने जोर शोर से किया प्रचार। कल बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के लिए चुनाव होना है, इसी के तहत जनपद संभल के चंदोसी में कल बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव होना है। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने कचहरी में जोर शोर से प्रचार किया और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के महासचिव पद के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह ने कहा कि वे अधिवक्ताओं की हर प्रकार की समस्याओं को दूर कराएंगे। आपका मैं विनोद कुमार सिंह, इस बार चंदोसी बार एसोसिएशन के चुनाव में सचिव के पद पे मैं खड़ा हुआ हूँ और पीछे भी मैं सचिव रह चुका हूँ। बार की जो समस्याएं हैं, जैसे ऊपर की है ना, बिल्डिंग नहीं बन पाई है, बार रूम ऊपर नहीं बन पाया है, शौचालय की समस्या है, वकील यहाँ बैठे रहते हैं हमारे यहाँ, पानी पड़ता रहता है, काम नहीं कर पाते हैं, टीन शेड की उनकी व्यवस्था करानी है, चैम्बर की व्यवस्था करानी है, जो चैम्बर्स का अधूरा निर्माण रह गया है उन सब का है ना निर्माण पूरा कराना है, और वकीलों के लिए जो अभी है ना कोविड-19 का पैसा आया था उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, और वकील जो हमारे अधिवक्ता भाई है ना जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी उनका बार काउंसिल से जो आर्थिक मदद मिलती है वो भी रुकी पड़ी है, उसके लिए भी मैं लाने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरा नाम राजेश यादव है, मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ चंदोसी में, और इस साल चुनाव में लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाने का मौका दिया तो मैं चंदोसी में जो इस समय भारी कमियां हैं उन्हें सबको दूर करूंगा। हमारी कुछ न्यायालय जो पावर हाउस में चल रहे हैं यहाँ बिल्डिंग बनवा के उन्हें भी यहाँ लाने की वो कोशिश करेंगे, और जो हमारे लोगों का सामूहिक बीमा की अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है वो भी हम सामूहिक बीमा की प्रक्रिया ही पूरी कराएंगे, और जो हमारी बार रूम है इसमें एक मंजिल और बढ़वाएंगे, इसमें लाइब्रेरी खुलवाएंगे, हमारी जो बिल्डिंग बनी हुई है इसमें अभी 10 फुट की जगह है, इसके ऊपर और बिल्डिंग बनवाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगीर सैफी एडवोकेट। आप अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व में भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं जी, तो क्या कहेंगे आप वकीलों के हित में? मैं यही कहूँगा कि वकील हित में ही हमारे कार्य होंगे, जो वकीलों के हित के कार्य होंगे उसमें मैं काम करूँगा, और वकीलों के लिए हित की बात जहाँ तक की बात है जैसे आपके सामूहिक बीमा है वो बार की तरफ से मैं कराऊँगा, और वकीलों के चैम्बर्स की समस्याएं हैं उन समस्याओं का मैं जो है निदान कराया जाएगा। दूसरी ये कि कैजुअल्टी होने पर वकीलों में या कुछ और बीमारी होने पर जो वकीलों को बाहर की तरफ से मैं कुछ ना कुछ जो है एक सहयोगात्मक धनराशि उन्हें अविलंब उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी एक ये है कि बार और बेंच के बीच जो भी सामंजस्य होगा उसमें बैठाऊंगा मैं, और बेंच को हावी नहीं होने दूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि वकीलों के मान सम्मान बना रहे और उसके लिए मैं जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई में वकीलों के साथ रहूँगा, यही मेरा संदेश है। और यदि अगर मैं अध्यक्ष चुना जाऊँगा तो मैं बार की वेबसाइट बनाऊँगा, जिससे कि बार की वेबसाइट बनाऊँगा और बार की तरफ से उनका गौरवमय इतिहास जो है उसे जो है वेबसाइट पे लाऊँगा, और उसके अलावा एक अधिवक्ता डायरेक्टरी भी बनाऊँगा जिसमें वकीलों के क्या संचित फोटो वगैरह जो होंगे उनका इतिहास उसमें काउंट होगा।